नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरे नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरची, लेकर आ गए हूँ एक और जबरदस्त वीडियो आप लोगों के सामने। आज के जिस कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं उसको सब लोग जानते हैं, उसका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एनआईएफ रैंकिंग 1 है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम किस कॉलेज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, अपने आप में नंबर 1 कॉलेज। इस कॉलेज की क्यूएस रैंकिंग 1 है नंबर ऑफ साइटेशन पर टीचर में। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि साइटेशन क्या चीज होती है, रिसर्च पेपर से रिलेटेड होती है। तो मतलब रिसर्च में हमारी नंबर 1 रैंक है, QS रैंक 1 ISC। यहाँ पर देख सकते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया है गेट ESC प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% प्लस 10% ऑफ। ये ऑफर है वैलिड 16 फरवरी 2022 तक। मतलब यहाँ पर अगर आप जो रेगुलर प्राइस यहाँ पर 32,000 रुपए हो सकता था, अब वो आपको सिर्फ 26,000 में मिलेगा। देखिए 10% मेरा रेफरल कोड SID12334 और 10% जो स्पेशल ऑफर मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, तो मेरा कोड यूज कर सकते हो SID12334 और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है न्यू बैचेस, आप देख सकते हैं एवॉल्व बैच, रेजिलेंस बैच लेकर आया है। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस ईसी, मैकेनिकल, सिविल, गेट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बैच आया है मिशन DDR, ये गेट 2023 के बच्चों के लिए है, मैकेनिकल का है, बैच एफ है, बाइलिंगुअल है। मरुत तिवारी सर यहाँ पे वाइब्रेशन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दो और बैचेस हैं, बर बैच है मैकेनिकल का, इंग्लिश का 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रवीण कुलकर्णी सर पढ़ाएंगे, एफटी यहाँ पे विवेकानंदन सर पढ़ाएंगे। एसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी मैकेनिकल का है, बाइलिंगुअल है। यहाँ पर एक और बैच है रेजिलेंस बैच, बाइलिंगुअल मैकेनिकल का, 16 फरवरी से यहाँ प्रवीण कुलकर्णी सर यहाँ पे फ्लूड स्टार्ट करने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक आदित्य गुप्ता सर पढ़ाएंगे। स्पार्क बैच है गेट 2023 के लिए, इंग्लिश का बैच है स्पेशली साउथ इंडियन बच्चों के लिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन देवेंद्र नेगी सर लेने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पे प्रवीण कुलकर्णी सर और जनरल एप्टीट्यूड विवेकानंदन सर पढ़ाने वाले हैं। इन सारे बैचेस की जो लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन को चेक करो और अपने बैचेस को ज्वाइन करो, मेरा कोड यूज करो और 20% का ऑफ। हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे ISC के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और हमें वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग विकिपीडिया में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता देता हूँ कि आप लोग कैंपस पर पहुंचना कैसे है। जो हार्ट ऑफ बैंगलोर है वहां पर ये इंस्टीट्यूट, मतलब सेंटर में ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि जनरली जो एयरपोर्ट है वो आउटसाइड होते हैं। तो आप लोग वहां से कैब वगैरह बस लेकर आ सकते हैं, फिर स्टेशन से आ सकते हैं। बेंगलुरु सब लोग जानते हैं, आराम से पहुंचा जा सकता है बेंगलोर स्टेशन, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 450 एकड़ का कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस। हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये इंजीनियरिंग नहीं है। जैसे IITs में क्या होता है, इंजीनियरिंग शब्द होता है, टेक्नोलॉजी शब्द होता है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो है यहाँ की फंडामेंटल साइंस। मेनली अगर आप इसके MS वाले सेक्शंस में जाएंगे, MTech रिसर्च वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस साइंस से रिगार्डिंग खुली हुई है। अभी रिसेंटली मैंने इसका MTech का कट ऑफ भी बनाया है, तो वो लोग आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं उसकी आई बटन में वीडियो की लिंक को दे दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरली क्या कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं, देखो यूजी को अलग कर दो, वहां पर बैचलर ऑफ साइंस होता है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं मेनली पीजी के बारे में। तो यहाँ पर MTech होता है, MTech रिसर्च होता है, PhD होती है। PhD में यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। PhD में पहला होता है आपका डायरेक्ट PhD, जो आप लोग BTech के बाद डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। फिर होता है आपका इंटीग्रेटेड PhD, जो सिर्फ साइंस में होता है, इंजीनियरिंग में नहीं होता है, और रेगुलर PhD जो आप लोग MTech के बाद करते हो। यहाँ पर जो MTech होता है वो 2 साल का होता है, जो MTech रिसर्च होता है वो यहाँ पर 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर जनरली जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो डायरेक्ट ना होकर रिटर्न और इंटरव्यू के बेस्ड पर होते हैं, लेकिन अभी कोरोना चल रहा था तो कुछ डिपार्टमेंटों में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन हो जा रहा था, पर ऐसा जनरली यहाँ पर होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में आपको रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से रिटर्न बनाता है। इंटरव्यू के लिए जनरली यहाँ पे 2-3 टीचर 4 टीचर होते हैं, डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, ये डिपार्टमेंट वाइज हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 3 टीचर रहेंगे या 4 टीचर रहेंगे। आप लोग को बुलाया जाता है, बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके रखिए, क्योंकि आपको बेसिक ही आपका ये वहां पर जाके हिला देंगे। फैकल्टी बहुत हम्बल होती है, बहुत जैसे आप कुछ गलत बता रहे हो वो आपकी मदद करेगी, देखो बेटा ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, और आपकी हेल्प करती है क्योंकि वो समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेटेज की। तो यहाँ पर जनरली जो वेटेज होता है वो गेट स्कोर का वेटेज होता है 70%, 20% यहाँ पर रिटर्न का वेटेज होता है, और 10% यहाँ पर इंटरव्यू का वेटेज होता है। यहाँ पर MTech में क्या होता है, MTech में एक सिंपल आपको प्रोजेक्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। देखिए आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के 10 सब्जेक्ट, जनरली क्या होता है और IITs NITs में क्या होता है, आपके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आपको प्रोजेक्ट करना होता है, पर ISC में ऐसा नहीं होता है। थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ आपको अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना होता है, अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करना होता है, और फिर आप जाके फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करते हो। और यहाँ पर जो MS होता है या MTech रिसर्च होता है,
वहां पर क्या होता है, एक रिसर्च पेपर कंपलसरी होता है, और जैसे पीएचडी की थीसिस होती है ना, बिल्कुल उसी टाइप से आपको थीसिस यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ती है। तो एमटेक रिसर्च यहाँ पर जनरली वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग स्टडी के बारे में। देखिए स्टडी का बता दूं, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको क्या होगा, एक फैकल्टी इंस्ट्रक्टर अलॉट कर दिया जाएगा। हर स्टूडेंट को एक फैकल्टी यहाँ पर मिल जाता है। वो फैकल्टी क्या करता है, वो बच्चे की मदद करता है और उसकी देखरेख करता है, उसको समझता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, उसकी पढ़ाई कैसा है, उसके साथ साथ उसको गाइडेंस करना और मतलब उसको पूरा एडवाइस करता रहता है। आप भी उनसे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे एडवाइस दे सकते हो, वो आपकी मदद कर देता है। यहाँ पर क्या है, जैसे अगर आपको देखो कुछ तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ फैकल्टी इंस्ट्रक्टर से बात करना पड़ता है, उसकी परमिशन से आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे अटेंडेंस का क्या है। देखिए अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं करते हैं, पर अगर आपका कोई फैकल्टी है आपको देख रहा है, आप लगातार क्लास मिस कर रहे हो, तो अब वो फैकल्टी इंस्ट्रक्टर को कंप्लेंट कर सकता है। और फैकल्टी इंस्ट्रक्टर के हाथ में काफी पावर रहता है, वो आपको डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उसके सामने ले जा सकता है, इवन आपको रस्टिगेट भी करवा सकता है। इसके बाद क्या होता है, आप लोग जाते हो सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो फैकल्टी इंस्ट्रक्टर को चेंज करके आपको प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है, फिर आपका प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करता है। तो इस तरीके से फैकल्टी इंस्ट्रक्टर का यहाँ पर पूरा काम रहता है। स्टडीज के लिए आईएससी का नाम ही बहुत है, आईएससी है मतलब स्टडीज तो यहाँ बेस्ट होंगी। लैब में क्या रहता है, यहाँ पर जनरली लैब में क्या होता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। एमटेक पीएचडी ऐसा नहीं है कि पीएचडी लैब हैंडल कर रहा है, एमटेक उसके अंडर काम करना है, नहीं, पूरे 24/7 लैब्स खुली रहती हैं। देखिए अगर आप लैब में ना, अगर आपका लैब में पीछे निकल गए, एक बार आपका पीछे रह गया, आपने सिर्फ ऐसे जाने दिया कि यार चलो बाद में देखेंगे, तो फिर आप पीछे ही होते चले जाएंगे। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, अप टू डेट रहना है, जो भी काम मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि लोड बहुत होता है, असाइनमेंट्स भी रहते हैं, लैब भी रहती है, बहुत कुछ रहता है, एक्सपेरिमेंट भी करना है 24/7 लैब के लिए। कई बार ऐसा होगा दिन में 2 बजे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे, रात के 2 बजे तक चल रहा है, और वो करके ही जाना है, ठीक है, वो कंपलसरी है, वो करना ही करना है। तो लैब पर थोड़ा हैक्टिक रहता है, और कभी भी कोई भी चाबी कर सकता है लैब की एक्सेस, वहां पर एक जगह बनी हुई है, वहां पर जाकर चाबी को एक्सेस कर लो और अपना लैब का काम यहाँ पर स्टार्ट कर लो। यहाँ पर हॉस्टल की मैस की बात कर लेते हैं। हॉस्टल यहाँ पे बॉयज हॉस्टल 8 से 10 के आसपास है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है रात को कितने बजे के घूम सकते हैं, पर अभी कोविड की वजह से यहाँ पे गर्ल्स को 11 से 6 मतलब रात के 11 बजे उन्हें हॉस्टल के अंदर वापस आना पड़ता है, सुबह 6 बजे से वो बाहर निकल सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, पहले लाइब्रेरी भी 24/7 थी, पर अभी कोविड के चलते उसे भी थोड़ा टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रात में कैंपस में घूम सकते हो, फ्री घूम सकते हो, इन सब चीजों के लिए आईएससी में आप लोगों को पूरी तरीके से आजादी मिलती है। हॉस्टल में यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं, पीएचडी एमटेक एमटेक रिसर्च सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, लॉटरी सिस्टम होता है, जब आप लोग हॉस्टल लेने जाते हैं तो एक लॉटरी रख देते हैं, उसमें से आप चिट निकालते हो, जो हॉस्टल नंबर मिल गया वो आपका, ठीक है। मैथ्स के लिए ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जनरली 5 मैसेज हैं, ए बी सी डी ई, ई अभी एक थोड़े दिन पहले ही खुली है। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दो कैटेगरी में यहाँ पर मैसेज को डिवाइड किया है, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज। अभी ई मैथ्स का पता नहीं है वो किस लिए है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैथ्स है वो अलग अलग बनी हुई है, जहाँ पर सब लोग जाके यहाँ पर खाना खाते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर जनरली सबको सिंगल रूम मिलेगा, वही बेड कुर्सी टेबल मिल जाएगा, गीजर मिल जाएगा, आप लोगों को वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, और जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो हॉस्टल के अंदर यहाँ पर सब कुछ मिल जाती है। खेलने के लिए यहाँ पर सब कुछ है, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, पर उतनी अच्छा नहीं है जितना आईआईटीज में होता है, क्योंकि आईएससी में जनरली लोग पढ़ाई के मूड से आते हैं, जनरली पढ़ते ही हैं, और ऑब्वियसली मतलब दिन भर बिजी रहते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ उतना टाइम दे पाते हैं। इसकी बात करें तो फीस में देखिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर हमें मिला लूं तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 14,000 आपकी एकेडमिक फी लगती है, 1,000 रुपए पर हॉस्टल फी लगती है, अगर आप वेज खाते तो 5,000 रुपए महीना, और अगर नॉन वेज खाते तो 6,000 रुपए महीना लगता है। इस हिसाब से पूरा जोड़ सकते हैं तो 70-80 हजार रुपए के आसपास आपका फर्स्ट ईयर बैठता है, 70-80 हजार के आसपास आपका सेकंड ईयर बैठता है। बात करते हैं प्लेसमेंट की, जैसे क्या होता है आईआईटीज में क्या होता है, फेज वन होती है दिसंबर से फेज टू फरवरी से होती है, पर आईएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आईएससी में क्या होता है, अक्टूबर में एक महीने की एक फेज खुलती है, जिसमें पूरे जो सब कुछ होता है ना वो कॉलेज ही सिलेक्ट करता है। यहाँ पर आईआईटीज और एनआईटीज की तरह नहीं है कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज ही सब कुछ मैनेज करता है, आपके मेल पर सब कुछ आता जाता है, पूरी एक एक्सेल सीट निकलती है, किस कंपनी का रिटर्न किस दिन है, किस कंपनी का प्रोसेस कितने दिन है, पैकेजेस के हिसाब से, कंपनीज ड्रीम कंपनीज के हिसाब से पूरा इस तरीके से शेड्यूल डिवाइड हो जाता है। बस आपको क्या करना होता है, जब आपका एग्जाम आता है कंपनी का, तो अपने को देना है और मेल चेक करते रहना है आपका किस में हो गया
यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि एक बच्चा एक ही कंपनी में जा सकता है, एक बच्चा दो में भी जा सकता है, जनरली दो या तीन में जाते हैं बच्चे, हाईएस्ट पैकेज का कुछ रहता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि एमटेक में देखा है कि एमटेक में 50% बच्चा रिसर्च की तरफ निकल जाता है, 50% बच्चा प्लेसमेंट के लिए अपीयर करता है। एमटेक रिसर्च में क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% बच्चा जो होता है वो पीएचडी के लिए ही जाता है, फॉरेन आईएससी और जगह पर पीएचडी करने के लिए जाता है। प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत सारी ब्रांचेस के टॉप ब्रांचेस के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, लोअर ब्रांचेस में भी 60-70 हो जाता है। इस साल की बात करूं तो 7-8 लाख की कंपनीज तो इस बार आईएससी में आई नहीं रही है, 10 लाख के ऊपर इन सबका प्लेसमेंट हो रहा है, तो प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली आईएससी का बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे कंपैरिजन में, तो मैं आईआईटी बॉम्बे को प्लेसमेंट के लिए प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो लोग थोड़े से प्लेसमेंट स्पेसिफिक है और आईएससी थोड़ा सा रिसर्च स्पेसिफिक है। अगर आप लोग कंपेयर करना चाहते हैं आईएससी को और आईआईटी बॉम्बे को, तो मैं ये बोलूंगा अगर आप प्लेसमेंट्स को मेन नजर रख के जा रहे हैं, है ना, आपको रिसर्च उतना मेन लोड नहीं है, तो आप आईआईटी बॉम्बे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे आपको उस स्कोर में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका रिसर्च प्रेफरेंस है और आपको पढ़ना है, तो आईएससी आपकी पहली चॉइस हो सकती है, वही मुझे लगता है। इसके साथ साथ बात करूं कंपनीज क्या होता है, वो एक महीने का जो प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद भी थोड़ी बहुत कंपनीज आती रहती है, पर 95% बच्चा वो एक महीने के अंदर ही प्लेस हो जाता है। बस मैं इतना सा एक लास्ट बताना चाहूंगा आईएससी के बारे में, आईएससी बहुत अच्छा है। आईएससी में बस एक ही चीज है कि पूरे दिन आप बिजी रहते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रहता है, हेक्टिक रहता है, पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आईएससी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूं हमारा जो रिव्यू आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। आईएससी के जो एमटेक कट ऑफ है, एमएस कट ऑफ है, वो मैंने वीडियो बना दिया है, उसे आई बटन में लिंक में दे दे रहा हूं, तो उसे चेक कर लेना। आईएससी के फॉर्म आउट हो चुके हैं तो फॉर्म को फिल कर लो।